Assalamualaikum and welcome to my channel EHA Assistance. Dear students, आज मैं आपके साथ discuss करने जा रही हूँ statistics for management 1430 के most important questions जो कि expected हैं कि paper में as it is या हल्की सी changes के साथ आ सकते हैं. So इसलिए मेरी video को till end देखिएगा. अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे marks score करने तो इन questions को आपने बहुत बहुत अच्छे से prepare करना है. साथ ही साथ EHA Assistance आपको facilitate करता है for online tuitions. अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन ट्यूशंस रिक्वायर्ड है उसके लिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है. सो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 19 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है मेरी रिसर्च पे, एक्सपीरियंस पे और पास्ट पेपर्स पे. सो इसलिए काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और साथ ही साथ इन मेंशनड क्वेश्चंस के अलावा अपनी प्रेजेंट सेमेस्टर की असाइनमेंट्स को बिल्कुल भी प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा क्योंकि असाइनमेंट्स में से 30-40% पेपर आने के चांस होते हैं. So, वीडियो स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. हाउ कैन वी अरेंज डेटा. मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए रीड नहीं करती, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर रख सकते हैं. हम जस्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, ताकि आप इनको नोट डाउन कर सकें. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं लेकिन इनके जो मेथड और फॉर्मूलाज हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है. अगर किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस के सॉल्व्ड यानी के सॉल्व्ड गेस पेपर्स रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो ले सकते हैं सॉल्व्ड गेस पेपर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देन इट्स क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए एंड बी. ये क्वेश्चन नंबर 5 पास्ट पेपर्स में 2-3 टाइम्स रिपीट हुआ है और असाइनमेंट्स में भी रिपीट होता रहा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देन इट्स क्वेश्चन नंबर 7. अगेन रिमाइंडिंग यू पीपल कि अगर आपको इनके सॉल्व्ड आंसर्स रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन चेक क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसमिशन एबीसी स्टोर्स. ये क्वेश्चन रिपीटेडली 3 टाइम्स असाइनमेंट्स में रिपीट हुआ है और एंड टर्म असेसमेंट में भी रिपीट हुआ था, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. रैंडम सैंपल्स के हवाले से ही क्वेश्चन है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग. देन क्वेश्चन नंबर 10, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पार्ट ए और पार्ट बी. ज्यादातर आपके स्टैट्स के क्वेश्चन इसी तरह से होंगे कि उसका पार्ट ए थ्योरेटिकल होगा और पार्ट बी आपका न्यूमेरिकल होगा. क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपने मीडियन मोड रेंज और कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करना है. देन क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपने मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है. वीडियो को आगे बढ़ाते हैं पर अगर अभी तक कोई ऐसा है ना जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपके लिए ही ये गेस्ट पेपर्स मैंने फॉर्मुलेट किए हैं. ये क्वेश्चन सर्च किए हैं जो रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में आए हैं ताकि आपकी आपके लिए आसानी हो सके और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके. सो आई गेस एक लाइक तो बनता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एफर्ट टू गेट अ मेयर. अच्छा, इसकी वैल्यूज वगैरह चेंज हो सकती हैं और इसके अलावा क्वेश्चन का फॉर्म बदल सकती है लेकिन अनवेटेड एग्रीगेट इंडेक्स इसमें फाइंड आउट करनी है और ये कई बार पेपर्स में रिपीट होता रहा है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है. देन अगेन रिमाइंडिंग यू कि अगर आप को इनके सॉल्व्ड आंसर्स चाहिए, दैट इज यू वांट सॉल्व्ड गेस पेपर्स, तो उसके लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है. क्वेश्चन नंबर का जो पार्ट ए है वो तो थ्योरेटिकल है, पार्ट बी इसका न्यूमेरिकल है. बहुत छोटा सा इसका आंसर है, इतना लंबा नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा. ये डॉक्यूमेंट्री क्लेम्स वाला 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये वाला पार्ट, पार्ट बी, ठीक है. पार्ट ए चेंज होता रहा है लेकिन पार्ट बी सेम रहा है. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, इसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कोरिलेशन है और इसी तरह से एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन. इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा फॉर योर एग्जाम. देन क्वेश्चन नंबर 18, इसके भी 3 पार्ट्स हैं. ये 3 पार्ट्स सेपरेटली भी आ सकते हैं, एक ही साथ भी आ सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में भी आ सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंस रखते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 और इसी तरह से इसका जो पार्ट ए और बी दोनों थ्योरेटिकल है.
अच्छा स्टार्ट्स पेपर में मैं आपको अगर कुछ सजेशन दूं तो उस आई थिंक कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रायोरिटी पे अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसका माइंड सेट बन जाता है, उसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि स्टार्ट्स का पेपर है तो इस बच्चे को स्टार्ट्स अच्छी आती है, उसने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किए हुए। सो इसलिए होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऑर्डर करना चाहें फॉर सॉल्व गेस्ट पेपर्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने पेपर को प्रेजेंटेशन कैसे उसकी करनी है और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।